दोस्तों नमस्कार, दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। वास्तुयश के स्पेशल एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियोस, और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से, और इमेज जो आ रहे हैं उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। यू आर गिविंग लॉट ऑफ अटेंशन टू द वीडियोज, आई एम वेरी मच थैंकफुल बिकॉज ऑफ दैट। एनी वे, बिफोर टूडे, आज इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं ड्राइवर नंबर 2 के बारे में। बिफोर गोइंग फर्दर, जो क्वेरीज आए थे या कुछ लोगों को कुछ डाउट्स थे, तो उसके बारे में मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि पहला डाउट था कि किसी ने मुझे पूछा कि ड्राइवर नंबर इम्पोर्टेंट, ड्राइवर इम्पोर्टेंट होता है या कंडक्टर इम्पोर्टेंट होता है। देखो दोस्तों, ड्राइवर और कंडक्टर ये दोनों नंबर इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ड्राइवर नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि ड्राइवर नंबर, जैसे कि आप जानते हो, बाकी सारे वीडियोस अगर आपने देखे रहेंगे तो आपको पता है कि ड्राइवर इज द वन हु इज फेसिंग द रोड कंडीशंस। यानी ड्राइवर को सब रोड कंडीशंस, अप डाउन्स सब फेस करना पड़ता है, ट्रैफिक कंडीशंस। लाइक दैट द ड्राइवर नंबर विच यू हैव गॉट, दैट डिसाइड्स हाउ यू आर गोइंग टू लुक एट द लाइफ। जिंदगी में जो भी परेशानी आएंगी उसका सामना आप कैसे करोगे, दैट इज वाई ड्राइवर नंबर इज इम्पोर्टेंट। हम लोग सिर्फ ड्राइवर नंबर इस एपिसोड में देख रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ड्राइवर नंबर ही इम्पोर्टेंट है और कंडक्टर नंबर नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि आपके ड्राइविंग अच्छा हो लेकिन आपको अगर किसी ठंड हवा की जगह पर जाना है, या आपको कुछ इंजॉय करना है, हिमालय की चोटी पे जाना है, ये आपका अगर मकसद रहेगा या डेस्टिनेशन रहेगा तो आप कुछ कर पाओगे, आप छोटा सा हिल चढ़ोगे। ये यानी कंडक्टर नंबर इज लाइक दैट, इट डिसाइड्स द एंड डेस्टिनेशन। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ड्राइवर नहीं। और उसके बावजूद, जैसे कि आप लोगों को पता है और द व्यूअर्स विच आर न्यू टू दिस चैनल, आप भी वीडियोस देखो फिर आपको पता लगेगा, नॉट ओनली ड्राइवर कंडक्टर्स आर इम्पोर्टेंट बट अगेन द योगाज फॉर्म्ड आर ऑल्सो प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल्स। जैसे कि मैंने बताए थे, ये 8 तरीके के योग तैयार हो सकते हैं, अष्टलक्ष्मी योग। सो वन ऑफ द वीडियो, आई थिंक लेसन नंबर 2 और 3 में वो बताया है, यू शुड सी दिस वीडियोस। तो ये हो गया क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वेदर ड्राइवर इज इम्पोर्टेंट या कंडक्टर। सो आई थिंक नाउ यू नो कि ड्राइवर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कंडक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द रिलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड नॉट ओनली दैट, द योग विच आर फॉर्मिंग इन योर पत्रिका और द चार्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन था कि कोई लोगों ने बताया कि एक नंबर मैंने जैसे बताया था कि दिस पीपल शुड नॉट डू द जॉब, यानी मेरा कहना ऐसा था कि शुड नॉट डू जॉब, मैंने उनका अगर इंसल्ट करोगे तो वो जॉब करेंगे नहीं, वो जॉब छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि अरे हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट में ऑफिसर्स है जो अच्छा काम करते हैं एंड दे आर एट अ वेल प्लेस्ड, सो दैट इज ट्रू। जैसे कि आप मेरा एक वीडियो मैंने मेरे आपको बताया था कि कुशल अगर आपको सेवा चाहिए तो 1379, दीज आर 4 नंबर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ड्राइवर नंबर पे आप मत जाओ, ड्राइवर नंबर इज ओनली इंडिकेटिंग यू कि वॉट टाइप ऑफ पर्सन यू आर और वॉट टाइप ऑफ पर्सन यू आर लुकिंग फॉर। तो ड्राइवर यानी आपका इच्छा शक्ति, आप कैसे करोगे वो दिखाता है सिर्फ। सो दैट इज अनदर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दैट क्वेरी। समवन हैज सेड, अरे मेरा भी जन्म 19 को हुआ है तो मैं क्यों नहीं मुकेश अंबानी हूँ। देखिए ऐसा है कि फिर से मैं वही बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ ड्राइवर नंबर से होता नहीं है। अगर वीडियोस हम लोग उस प्रकार से पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो आदमी की प्रकृति या प्रवृत्ति बोलते हैं, यानी हाउ ही विल लुक एट द प्रॉब्लम, दैट गेट्स डिसाइडेड बाय द ड्राइवर नंबर। इट डजेंट मीन कि बाकी का पूरा आपका मुकेश अंबानी की तरह होगा, क्योंकि बाकी का उनका चार्ट और आपका चार्ट अलग है, आपका कंडक्टर नंबर अलग है, आपके डिजिट्स आपके जो चार्ट में वो अलग है, मुकेश भाई के चार्ट में अलग है, इसलिए वो अलग होने वाला है। सो एनी वे, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड वॉट आई वॉन्टेड टू से। तो आज देखने वाले हैं हम कंडक्ट ड्राइवर नंबर 2 के बारे में। सो जिसी भी कोई व्यक्ति का अगर जन्म 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है,
महीना कौन सा भी होने दो, मास कौन सा भी होने दो, एनी मंथ, बट इफ यू आर बॉर्न ऑन 12th, यू आर बॉर्न ऑन 2nd, 11th, 20th और 29th को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जीवन कैसा रहेगा। सी हियर द ड्राइवर नंबर बिकम्स 2 बिकॉज सिंगल डिजिट टोटल जो आपकी जन्म तारीख की होती है उसे हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं। नाउ ड्राइवर नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर आई कैन से, और उसे आप ध्यान से सुनना क्योंकि जब भी चंद्रमा है, ये 2 नंबर यानी पहले नंबर 1 ड्राइवर नंबर 1 यानी सूर्य का था जिसमें ईगो वगैरह आपने देखा, एक लीडरशिप की भावना थी बिकॉज इज अ सब ग्रहों का ग्रह राजा 1 रहता है। तो अभी रानी नंबर ये 2 है, लेकिन चंद्रमा का प्रॉब्लम एक ऐसा है कि चंद्रमा छोटा होता है फिर बढ़ते जाता है, फिर फुल मून हो जाता है पूनम के दिन, फिर से वो छोटा होते जाता है एंड देन देर इज नो मून, अमावस का दिन आ जाता है। सो इफ यू आर बॉर्न ऑन 2nd, देर आर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन योर लाइफ। सो बिफोर गोइंग टू दैट, एक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा एक बहुत ही नाजुक तरह का प्लेनेट है एंड वेरी फास्ट चंचल है, उसके आजू बाजू में कोई ना कोई प्लेनेट रहेगा तो वो अच्छा रहता है। उसको अगर जिन लोगों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास है उनको मालूम है कि उसे अनफा और सुनफा ऐसे 2 योग बताए जाते हैं। अगर चंद्र के आगे कौन सा प्लेनेट है या पीछे प्लेनेट हुआ तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा अकेला अच्छा नहीं माना जाता, तो दैट इज कॉल्ड अनफा एंड सुनफा योग। तो उसमें वह आदमी को अच्छी सारी प्रसिद्धि मिलती है और अच्छा सारा धन धन लाभ होता है, क्योंकि आपको पता है कि कुंडली जो देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसमें चंद्र प्रथम प्रथम स्थान पे पकड़ के जो चंद्र कुंडली देखते हैं दैट इज टेलिंग यू द मेंटेलिटी ऑफ द पर्सन, और उसके हिसाब से 2nd हाउस बिकम्स द धनस्थान। इसलिए पैसा मिलना नहीं मिलना और कौन से प्लैनेट उसमें होना 2nd हाउस में, यानी चंद्र के आजू और बाजू यानी आगे पीछे कुछ प्लैनेट हुआ तो अच्छा माना जाता है। अगर प्लैनेट नहीं हो तो केमेंद्र योग बोलते हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड योग। तो उसी प्रकार से हम लोग भी यहाँ ऐसे, मेरा एक कहना है या मेरा एक अनुभव है कि 2 नंबर थोड़ा सा वीक होने के वजह से वी लव टू सी कि उसके बाजू में कौन है या उसके साथ में कौन है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फर्स्ट इज राज कपूर। अभी चंद्र जो जिसके जो चंद्र जिसका ड्राइवर नंबर है उसको चंद्र यानी भावना यानी मन, यानी अगर आपके पास मन हो, अच्छी भावना हो तो आपके दिल में प्यार आएगा, तो आप गाना गा सकते हो, अच्छी तरह से काव्य बना सकते हो। तो ये जब गाना बजाना, भावनाओं का प्रकट करना, रोना, ये सब चंद्र की वजह से है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने इस स्पेशल एपिसोड में 2 के साथ हम लोग ड्राइवर नंबर यानी ड्राइवर नंबर के साथ मंथ भी देख रहे हैं, क्योंकि मंथ से दिन तैयार हो जाता है। एक बार मैं विस्तार से उसको बाकी के केसेस में भी आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्र थोड़ा दुर्बल होने की वजह से हमें देखना पड़ता है कि वो कौन से महीना का नंबर उसके पीछे लगा है, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स द इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर 2। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 जून का जन्म था राज कपूर का जी का, तो उन्होंने उन्हें उनको एक शोमैन बोलते हैं, द वन एंड ओनली शोमैन, ऐसा उनके बेटी ने उनके बारे में लिखा है किताब में, एंड शी हैज नेम्ड लाइक दैट एंड रियली ही इज द ग्रेटेस्ट शोमैन सो फार। सो ये शोमैन क्यों है, क्योंकि बिकॉज 6 इज द मंथ नंबर विच इज अटैच टू द ड्राइवर नंबर 2 एंड दैट इज वाई ही आपने अगर देखा रहेगा बहुत सारे उनके जो मूवीज थे उसमें अमीरी गरीबी इन दोनों का बहुत अच्छे तरह से मिलन या मिलाप दिखाया गया था। एंड ऑल द सॉन्ग्स ऑफ दिस राज कपूर मूवीज वेर सुपर डुपर हिट, और उसमें बहुत सारी भावनाओं का मिलाप था। सो दैट इज बिकॉज 2 एंड 6 कॉम्बिनेशन। तो 2 के साथ 6 है, इसलिए हमको उस तरीके इफेक्ट दिखाई देते हैं।
अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं उसमें, आप देखोगे कि दिलीप कुमार जिसे, जिनको ट्रेजेडी किंग बोला जाता था, अभी ट्रेजेडी किंग बोलने का मतलब क्यों है? तो सी, इफ यू सी ही इज बॉर्न ऑन 11th, यानी कार्मिक नंबर। जैसे कि आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता है कि 11 नंबर एक कार्मिक नंबर बताते हैं हम लोग, बिकॉज वन एंड वन यानी सन और सन मिलके दो यानी चंद्रमा अगर तैयार हो गया तो राजा राजा से रानी तैयार हो गई तो और क्या चाहिए। सो ही इज बॉर्न ऑन 11th, सो दैट इज अ कार्मिक नंबर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनके नसीब में ही था कि एक अच्छी सारा फेम रिकग्निशन प्राप्त करना, और उनका जो पीछे यानी 2 11 के पीछे जो नंबर है वो 12 का है, यानी उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सूर्य और चंद्र उन दोनों का मिलन वो बैकअप कर रहा है सॉर्ट ऑफ उनकी मन को या भावनाओं को। एंड जैसे कि 12 मिलके 3 बनता है, 3 इज द क्लैशेस विद द वीनस विच इज 6, मे बी बिकॉज ऑफ दैट उनको एक अच्छी तरह से वो भावना प्रतीत करते थे ट्रेजेडी के बारे में, यानी अगर जिंदगी में सचमुच का प्यार न मिले तो किस प्रकार से रोने की भावना दिखानी चाहिए वो उनको अच्छी तरह से आता था, और उसमें अच्छी तरह से उन्होंने कामयाबी पाई प्राप्त की बिकॉज ऑफ द बैकिंग नंबर 12th यानी दिसंबर का उनका जन्म हुआ था इसकी वजह से। सो दिलीप कुमार जी का बारे में हम लोग ने देखा वाई इज अ ट्रेजेडी किंग। आगे देखते, आगे का एग्जाम्पल है वो है राजेश खन्ना, ही इज अ फर्स्ट सुपरस्टार। अभी उनके सब गाने आपको मालूम है रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। अभी उनका जन्म हुआ है 29th अगेन 12 दिसंबर को। सो ही इज अगेन विद द हैविंग द क्लैश विद द जुपिटर सक्सेस विद द क्लैश ऑफ द जुपिटर की वजह से क्या होता है, 29 तारीख को जन्म हुआ इसकी वजह से वो रोमांटिक गाने प्लस एक्शन, बिकॉज 2 इज भावना प्लस 9 इज अ मार्स विच इज एक्शन, एंड द रिलेशन इज नॉट ऑलवेज द गुड, समटाइम इट इज गुड सो समटाइम इट इज बैड बिकॉज किंग एंड मार्स दैट डजेंट टैली थ्रू आउट। सो एक प्यार और प्यार न मिलना, ये दोनों टाइप की जो उनकी भावना व्यतीत करने का उन्हें चांस मौका मौका मिला, और एक और दो की वजह से उनको एक सन यानी जो कीर्ति देता है परमानेंट फेम वी कैन से, एंड 2 विच इज मून विच इज गिविंग द टेम्पररी प्रसिद्धि, यानी क्या न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में उनका फोटो छप के आना वगैरह वगैरह। सो दोनों टाइप का उनको जो सक्सेस मिला दैट इज बिकॉज ऑफ 29th ही इज बॉर्न। सो 29th से रोमांस एक्शन भी होता है, अगेन इट गोज टू 11, सो इट वॉज रिटन इन इज इट इज बिकम्स अ कार्मिक नंबर एंड देन इट गोज टू 2। सो दैट इज वाई अगेन आपने देखे बहुत सारे उनके रोमांटिक सॉन्ग्स फेमस हो गए, रादर ही वॉज अ सुपर डुपर रोमांटिक हीरो। उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद जो आया वो अमिताभ यानी एंग्री यंग मैन। सो अमिताभ जी का भी अगर आप देखेंगे तो देखो दिलीप कुमार जी 2 नंबर है यानी 11 नंबर, अगेन राजेश खन्ना नेक्स्ट सुपरस्टार विच इज 29, नाउ अमिताभ बच्चन इज बॉर्न ऑन 11th ऑफ अक्टूबर। अगेन आई एम सेइंग यू दैट कार्मिक नंबर 11 बिकॉज ऑफ दैट 2 एंड मन वगैरह। लेकिन अमिताभ का अगर बैकअप देखोगे तो उसके बैकिंग कर रहा है 10 नंबर यानी 1 विच इज नथिंग बट द सन। सो ही इज गेट्स द रिस्पेक्ट और ही इज कॉल्ड एज द शहनशाह और द एंग्री यंग मैन ऑफ द दिस थिंग इंडस्ट्री। वाई एंग्री? बिकॉज 111 लॉट ऑफ वन इज देयर, सो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और लॉट ऑफ ईगो जो उनके प्रति पिक्चर्स में हम लोग ने देखा, बहुत सारे मूवीज में वो लीडर की भूमिका करते हुए दिखाई दे रहे, भले वो मजदूर हो या ये हो दीवार वगैरह पिक्चर में, या वो जो पैसे बोलते हैं कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता वगैरह, ये जो कुछ डायलॉग्स है, ये जो कुछ उन्होंने अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छे सारे गाने भी है उनके मूवीज के, ये सब अच्छी भावना अच्छा प्यार दिखाने का सक्षम होने के पीछे 11 नंबर यानी कार्मिक नंबर का बहुत सारा हाथ है। और इट वॉज वेल बैक विद द वन विच इज सन, सो दैट इज वाई उन्हें एक अजरामर कीर्ति या रिस्पेक्ट मिला इंडस्ट्री में दैट एवरी वन नोज। आगे का एग्जाम्पल है उसमें हम लोग देखते हैं
विच इज किंग ऑफ बॉलीवुड, विच इज कॉल्ड शाहरुख खान. एवरी वन नोज ही इज अ किंग ऑफ रोमांस. अगेन वाई रोमांस? बिकॉज टू टू इज मून, सो बिकॉज ऑफ दैट. अगेन चंद्रमा, चंद्रमा की वजह से भावना, भावनाओं की वजह से रोमांस एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड सी हिज मून इज बीन बैक्ड अप बाय 11, विच इज कार्मिक नंबर. सो इट इज लाइक अ फादर बिहाइंड दैट सन, यू नो. टू आई एम सेइंग SON, नॉट SUN. ओके, सो द कार्मिक नंबर 11 इज बैकिंग, लाइक इन अमिताभ केस 10 वॉज बैकिंग टू. हियर द बैकिंग नंबर इज 11, विच इज अ कार्मिक नंबर, एंड दैट इज वाई शाहरुख हैड नथिंग विथ हिम. सो जीरो से बन के वो अभी एक, उन्होंने इतना सारा शोहरत हासिल किया. ही बिकम सच अ वंडरफुल हीरो एंड सक्सेसफुल हीरो. एक बॉलीवुड के अभी उनको किंग ऑफ बॉलीवुड बोलते हैं. एंड ही इज नॉट ओनली लाइक दैट, बट ही इज फ्रॉम किंग ऑफ रोमांस टू ही बिकम अ किंग ऑफ बिजनेस. वाई? बिकॉज 2 एंड 11, उनके नसीब में वो जो बैकिंग था, जो पैसा था, वो कार्मिक नंबर 11 की बैकिंग की वजह से उन्हें मिला है. उसके बाद का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसमें हमको हमें बताया कि दैट इज नन अदर देन संजय दत्त. अभी देखो बैकिंग नंबर कितना इम्पोर्टेंट रहता है. वो संजय दत्त के बारे में जो 29 तारीख को उनका जन्म हुआ, तो हम लोग को मालूम है 2 और 2 यानी मून, यानी 9 इज अ मार्स. सो दैट इज अगेन द एक्शन. सो अपना आप लोग ने देखा कि 2 और 9 का एक एक्चुअली रानी और जो सेनापति रहता है उनका रिलेशन जब भी अच्छा रहता है, सो दे दैट गिव्स द गुड बैकिंग, यानी चंद्र और मंगल का, तो एक शौर्य होता है या उसमें ताकत हो जाए, या दिल से या इसकी वजह से. उन्होंने जैसे आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ऑर्डिनरी दिखाई दे रहे थे, उसके बाद में जो उन्होंने जो कुछ किया उनको बहुत सारा दुख सहना पड़ा. बिकॉज 2 एंड 9, एक्चुअली देर इज अ क्लैश इज ऑल्सो, बिकॉज 2 इज अ मून विच इज वाटर एंड 9 इज अ फायर. सो देर इज अ क्लैश एंड दैट इज वाई उन्होंने बहुत सारा दुख भी उन्हें झेलना पड़ा. और पीछे बैकिंग नंबर में 7 है, विच इज केतु, विच इज नथिंग बट एक्चुअली केतु इज हेडलेस. दैट इज वाई ऑल दिस 2 9 7 दिस कॉम्बिनेशन शोज दैट ही इज डूइंग द एक्शंस विदाउट मच थिंकिंग, एंड दैट इज वाई वो उन्होंने उनको जो जो भी AK-57 या कुछ राइफल वीफल हो, कुछ गोला बारूद की वजह से उन्हें कुछ तो भी उनके ऊपर मुकाबला चलाया गया था. सो ऑल दीज थिंग्स ही हैज टू फेस बिकॉज 29 इज बैकड अप बाय द 7. सो एनी वे, जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हो उनकी भावनाओं, और बाद में जैसे जैसे 9 का प्रभाव बढ़ गया तो उनका जो असली रूप था, यानी उनको कसरत करके जो बॉडी बने उन्होंने बनाई, दैट इज बिकॉज ऑफ द 9 इन्फ्लुएंस ऑफ दैट. सो उसके आगे का एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे विच इज सिमिलर टू दिस, विच इज अजय देवगन. तो इन इनिशियल स्टेज आप अगर देखते हो, व्हेन अजय देवगन वाज 20+, ही वाज नेचुरली, उनका जो 2 4 तारीख को जन्म है उसकी वजह से भावना वो दिखाने की कोशिश करते थे या भावना दिखाते थे. सो अर्लियर ही वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ हीरो रोमांटिक, बट पीछे रोमांटिक हीरो के पीछे 4 यानी राहु छुपा हुआ है. दैट इज वाई इफ यू सी तो उनके आंख में इतना ऐसा प्यार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सा अलग टाइप का आंखें दिखाई देती हैं वेन द इनिशियल स्टेजेस वेन ही वॉज हीरो. बट अभी का जो उनका 40+ के बाद जो उनका रूप है 2018 में या इसमें जो हम लोग अभी जो मूवीज उनके दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें जो एक राउडी रूप है, या उनका जो मूवी आया था उसमें जो डायलॉग था, आता मजी सटकली एंड सो मेनी मूवीज विच इज डूइंग नाउ एक्शन पैक्ड मूवीज, वो जो कर रहे हैं उसमें उनका जो रोल्स है दैट इज ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द राहु, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ ही हैज गॉट अ टोटल पर्सनैलिटी चेंज. सो व्यूअर्स, व्हाट आई वॉन्टेड टू टेल यू इज ड्राइवर नंबर 2 इज गिविंग यू लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द लाइफ बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट नंबर, एंड वॉट इज गिविंग द बैकअप टू दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, if you are having the driver number 2, just watch it because of the fluctuations of the mind.
यू डोंट कंट्रोल योर माइंड प्रॉपरली देन यू मे नॉट बी एबल टू रीच टू द डेस्टिनेशन। सो ड्राइवर नंबर दो थोड़ा सा दिल से जाने वाला नंबर है, दैट इज वाई यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। अगर आपका मन पर ताबा हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो ऑलवेज चेक वेन द ड्राइवर नंबर इज टू, हु इज बैकिंग, विच इज द वॉट इज द मंथ नंबर, दैट यू हैव टू चेक। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे वीडियोज देखते रहो। इन नेक्स्ट एपिसोड विल सी इफ द ड्राइवर नंबर इज थ्री देन हाउ विल बी द थिंग्स फॉर द पर्सन। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग अवर चैनल वास्तु यश। थैंक यू।